छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बंद पड़े सीसीआई के माइनिंग एरिया में गार्ड्स पर हमला हुआ है, जिसमें 3 गार्ड्स को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। दरअसल चोरी की नीयत से कुछ बदमाश यहां पर पहुंचे थे, जो आशंका जताई जा रही है कि चोरी की नीयत से बदमाश यहां पहुंचे थे और जब गार्ड्स ने उन्हें रोका तो उन पर हमला किया गया है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। अकलतरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर सीसीआई का यह माइन है जो कि काफी वक्त से बंद पड़ा था और 3 गार्ड्स की तैनाती यहां पर थी जिन पर हमला किया गया है। ये आशंका जताई जा रही है कि संभवतः चोरी की नीयत से यहां पर ये बदमाश पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जब गार्ड्स को देखा तो गार्ड्स के पर हमला किया गया है और इस हमले में बुरी तरह से 3 गार्ड घायल हुए हैं। राजकुमार साहू हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजकुमार, क्या अपडेट सामने आ रहा है इस घटना पर? देखिए रक्षा, जिस तरह से पूरा मामला आया है काफी बड़ा मामला है, क्योंकि अकलतरा क्षेत्र में ये सीसीआई का जो बंद जो इकाई है वो काफी समय से जिसके पास से इसमें लगातार शिकायत रहती है कि यहाँ पर चोरी की बात आती रहती है वहाँ पे स्क्रैप की। और लेकिन जिस तरह से ये देर रात ये घटना हुई है उसमें 3 गार्ड्स घायल हुए हैं और इसमें ये जानकारी आई है कि 2 वाहन में करीब 15 लोग पहुंचे थे और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक मोबाइल भी मौके पर छूटा है जो ये बदमाशों का बताया जा रहा है। लेकिन इस आधार पर पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन जो 3 गार्ड्स हैं वो घायल हुए हैं, जिनमें एक गार्ड्स जो है वो करीब करीब 7 से 8 दांत टूटे हैं और 2 गार्ड्स के पैर और जो है वो सिर में चोट आई है। इन तीनों को बिलासपुर रेफर किया गया है और यहाँ बिलासपुर के अस्पताल में भी इन 3 गार्ड्स का इलाज चल रहा है। लेकिन रचना, मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस पर भी एक सवाल है, क्योंकि ये जो घटना होने के बाद से पुलिस ने जिस तरह से तत्परता वहां पर घटनास्थल पर जाकर के जांच की जानी चाहिए उस तरह से नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि उच्च अधिकारियों को भी इस बड़ी घटना की जानकारी नहीं गई थी। जब हमने IBC 24 के माध्यम से जब हमने DSP से बात की, एडिशनल SP से बात की, तो इस घटना के बारे में उन्हें भी जानकारी नहीं है। तो एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से यहाँ पर जो बदमाश है वो बेखौफ हो गए हैं और जाकर किस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी रचना, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा राजकुमार, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजकुमार हमारे जांजगीर संवाददाता इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि देखिए 2 गाड़ियों में 15 से 20 की संख्या में ये बदमाश पहुंचे थे और आशंका जताई जा रही है कि माइन में चोरी की नीयत से वो घुसे थे और गार्ड्स पर इस दौरान उन्होंने हमला किया है। 3 ही गार्ड्स की हालत गंभीर बताई जा रही है, सभी का इलाज जारी है, लगातार IBC 24 की नजर बनी रहेगी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी कहीं ना कहीं सामने आई है, लेकिन इस पर क्या एक्शन होता है इस पर तमाम अपडेट्स IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा।